नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं ट्रांसलेशन का पार्ट 9। लेकिन पार्ट 8 के कुछ क्वेश्चंस थे उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए, वह बचपन से क्रिकेट खेलता रहा था, ये लिखा हुआ है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। बचपन से बोल रहा है, यानी कि वहाँ पे सिंस आएगा। अभ्यर्थी वर्षों से परीक्षा PSC की तैयारी करते रहे थे। एस्पिरेंट्स हैड बीन, अभ्यर्थी यानी कि एस्पिरेंट, तो करते रहे थे, यानी कि प्लूरल में है तो हमको एस्पिरेंट्स लगाना पड़ेगा। तो एस्पिरेंट्स हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर PSC एग्जाम फॉर ईयर्स, ऐसे होगा क्योंकि हम वर्षों से बोला है, कितने वर्षों से और कब से ऐसा नहीं बताया है, ये भी एक तरह का अनिश्चित है, इस वजह से हम वहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे। वह 4 दिन से तालाब में तैरता रहा था। ही हैड बीन स्विमिंग इन पॉन्ड फॉर 4 डेज। मैं 2018 से बिलासपुर में रहता रहा था। आई हैड बीन लिविंग इन बिलासपुर सिंस 2018। वे सुबह से खाना पकाते रहे थे। दे हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से इसको हमको हमने बनाया। अब शुरू कर लेते हैं ट्रांसलेशन के पार्ट 9 के बारे में। पार्ट 9 यानी फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में देखते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस हिंदी में इसे साधारण भविष्य काल कहा जाएगा। इसका जो ID होता है वो गा गे गी, लास्ट में गा गे गी आएगा। स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट प्लस आपको लगाना है शॉल या विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से लगाना होता है। जैसे देखिए, शॉल का प्रयोग कहाँ होगा? आई और वी के साथ होता है। जबकि विल का प्रयोग कहाँ होता है? सभी सब्जेक्ट के साथ होता है, आई और वी को भी मिला करके होता है। मॉडर्न यूसेज में सबके साथ इसका विल का प्रयोग दर्शाया गया है। तो इसका प्रयोग हम यू दे ही सी एट नेम के साथ करते हैं, जबकि मॉडर्न यूसेज में आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग संभव है। तो कुछ देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, उस ट्रांसलेशन के बारे में। देखिए, मैं कल घर जाऊंगा, मैं कल घर जाऊंगा, ये लिखा हुआ है, लास्ट में जाऊंगा करके आया हुआ है। तो देखिए, आई शॉल लगा सकते हैं या विल लगा सकते हैं, दोनों। आई विल गो होम टुमारो, इस तरह से आई विल गो होम टुमारो, मैं कल आऊँगा, आई विल कम टुमारो, मैं लिखूँगा, आई विल राइट, मैं पढ़ूँगा, आई विल रीड, मैं खेलूँगा, आई विल प्ले, वह बात करेगा, ही विल टॉक, वह पढ़ाएगा, ही विल टीच, वह मुझसे बात करेगा, ही विल टॉक टू मी, वह गाड़ी खरीदेगा, ही विल बाय बाइक, इस तरह से हम इसमें ट्रांसलेशन करते हैं। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ट्रांसलेशन के, ताकि आपको और भी प्रैक्टिस हो जाए। देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं ट्रांसलेशन वाला कुछ क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, इन 5 क्वेश्चंस को आपको बनाना है। इसका जो आंसर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। देख लीजिए, तुम दो दिन में ठीक हो जाओगे, पहला क्वेश्चन है। हम जल्द ही निर्णय लेंगे, दूसरा। ये जूते 3 वर्ष से अधिक चलेंगे, तीसरा। चौथा, मुझे कुछ और पैसे लगेंगे। और लास्ट जो क्वेश्चन है, कक्षा 6 बजे छूटेगी। तो ये आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको बता दूंगा। थैंक यू।